दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले 19 अक्टूबर को जियो ने अपने जो टैरिफ प्लान हैं उनके रेट बढ़ा दिए थे। तो अब नई न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जियो और भी इसको बढ़ा सकती है उनके प्लान के प्राइजेस को। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा प्रूफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि आपको प्रूफ के साथ कि कहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इनके जो रेट्स हैं वो आगे जाके और बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स के यहाँ पे एक उन्होंने आर्टिकल यहाँ पे उनकी साइट पे अपलोड हुआ है अभी। तो इनमें गोल्डमैन सैच्स जो हैं इनके जो ये टेलीकॉम के काफ़ी अच्छे विशेषज्ञ हैं, तो इन्होंने यहाँ पे एक कहा है कि रिलायंस जियो जो है वो आगे जाके जो है जनवरी में आगे जाके और भी प्लान के जो है वो बढ़ा सकते हैं रेट जो है इनके। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जियो जो है और आगे जो रेट्स हैं उनके बढ़ा दे। तो पहले जियो के जो है चेयरमैन वो मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि आपको जो है वो जियो बाज़ार से कम रेट में आपको टैरिफ प्लान देगा, बट अब ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। वो रेट आगे बढ़ाई जा रहे हैं। अभी ये नया इनका आ गया है कि जनवरी में ये फिर कर सकते हैं जो प्लान्स हैं इनके। तो यहाँ पे ये यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो हो सकता है आगे आपको और प्राइजेस यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, पहले बताया कि जो 309 का प्लान था वो घटा के इन्होंने 49 डेज़ के लिए कर दिया। पहले 56 डेज़ के लिए था। जो 399 वाला प्लान था वो पहले 84 डेज़ के लिए था, वो 70 डेज़ के लिए कर दिया गया है। तो जो 84 डेज़ के लिए प्लान है वो उसका 60 रुपये बढ़ा के उसको 460 रुपये का कर दिया गया है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको जो है वो ज़्यादा रेट देने पड़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो जो आपके फ्रेंड्स जियो चलाने वाले हैं तो आपको उनको भी बता दीजिए इस वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी पता चल जाए। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।